बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान तरीके से बनने वाली चिकन मलाई बोटी की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये इतनी मज़ेदार बनती है, वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस तरीके से आप घर में बहुत ही मज़ेदार एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में चिकन मलाई बोटी तैयार कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इससे आपको मेरी आने वाली नई मज़ेदार सी रेसिपीज़ मिलेंगी। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलें जल्दी से इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मेरे पास यहाँ पर तमाम इन्ग्रीडियंट्स मौजूद हैं, आप लोग नोट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 1 टेबल स्पून सॉल्ट, यहाँ पर मेरे पास पिंक सॉल्ट है, आप लोगों के पास कोई भी अवेलेबल है आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने लिया है यहाँ पर 2 टेबल स्पून मैंने धनिया का पाउडर लिया है, इसको मैंने भून के अच्छे से पीस लिया था। 1 टीस्पून मैंने सफ़ेद मिर्च का पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून भर के रेड चिली फ्लेक्स लिया है, 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च का पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून भर के मैंने ज़ीरा का पाउडर लिया है, इसको भी मैंने भून के अच्छे से पीस लिया था। उसके अलावा मैंने यहाँ पर लिया है 2 टेबलस्पून कोकोनट पाउडर, तो इसका भी बहुत मज़ेदार टेस्ट आता है। और 1 टीस्पून मैंने लिया है यहाँ पर चाइनीज़ सॉल्ट। और ये हो गए हैं हमारे पास तमाम यहाँ पर मसाले। अगर आप लोगों के पास चाइनीज़ सॉल्ट नहीं है, आप लोग स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आधी प्याली ली है ऑयल, और यहाँ पर 1 प्याली भर के मैंने फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल किया है। मैंने यहाँ पर हैवी क्रीम का इस्तेमाल किया है, आप लोगों के पास कोई भी क्रीम है आप लोग वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने यहाँ पर लिया है 4 टेबलस्पून हरी मिर्च का पेस्ट, और उसके अलावा मैंने यहाँ पर लिया है 2 टेबलस्पून क्रीम चीज़, ये ऑप्शनल है, अगर आप लोगों के पास नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून मैंने लेमन जूस लिया है, एंड 2 टेबलस्पून भर के मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट लिया है। आधी प्याली यहाँ पर मैंने दही लिया है, और यहाँ पर 2 टेबलस्पून मैंने लिया है सफ़ेद सिरका। तो ये हो गए हैं हमारे पास तमाम इंग्रीडियंट्स। उसके अलावा यहाँ पर मैंने चिकन लिया है बोनलेस, इसमें मैंने ब्रेस्ट में और थाइस में क्यूब्स करवाए थे। आप लोगों के पास कोई सा भी चिकन हो, बोन वाला आप लोग बनाना चाहते हैं उसमें भी बना सकते हैं, लेकिन ये बोनलेस में बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनती है। तो चलें, करना क्या है, आप लोगों ने सबसे पहले एक बाउल ले लें, उसमें चिकन में आप लोगों ने जितने भी मैंने आप लोगों को तमाम इंग्रेडिएंट्स स्टार्ट में बताए हैं, आप लोगों ने चिकन में लगा के इसकी अच्छे से मैरिनेशन कर देनी है, और हाथ की मदद से इसको मिक्स करिएगा। और एक बात का ख्याल रखें, आप लोग नमक और मिर्च का इस्तेमाल अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैं आपको अपनी हर रेसिपी में बताती हूँ, क्योंकि कोई नमक मिर्च तेज़ खाता है, कोई हल्का खाता है, तो आप लोग अपनी चॉइस के मुताबिक इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके अलावा तमाम चीज़ें इसी तरीके से जाएंगी। और एक बात का और ख्याल रखें, आप लोगों ने चिकन को जब सारे मसाले लगा देने हैं, उसके बाद आप लोगों ने कम से कम 2 घंटे इसको फ्रिज में रखें, ताकि इसकी मैरिनेशन अच्छे से हो जाए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग मैरिनेशन में टाइम देंगे, उतनी ही ज़्यादा हमारी मलाई बोटी सॉफ्ट, क्रीमी और मज़ेदार बनेगी। तो ये देखें, यहाँ पर अब हम मसाले तमाम डाल के इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं। तो यहाँ पर मलाई बोटी को मैंने 2 घंटे के लिए सारे मसाले लगा के फ्रिज में मैरिनेशन के लिए रख दिया था। ये बहुत अच्छे से मैरिनेट हो चुकी है, तो अब हम इसको स्क्यूअर्स पर लगाएंगे 1 बाय 1 करके इस तरीके से। ये देखें, आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि मैं इसको बनाऊंगी ओवन में। अगर आप लोगों के पास ओवन मौजूद नहीं है, तो आप लोग इस पॉइंट पर किसी भी पैन में भी बना सकते हैं, और अगर आप लोगों के पास बारबेक्यू ग्रिल है, आप इसको बारबेक्यू ग्रिल में भी तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ओवन में बनाऊंगी। तो इसके साथ हम लोग इसमें कोयले का धुआं देंगे, जब तक हमारी मलाई बोटी हो रही है तैयार, कोयले को अच्छे से हम लोग गर्म कर लेते हैं। तो आप लोगों ने एक बात का और ख्याल रखना है, जब आप लोगों ने ओवन में मलाई बोटी को पकने के लिए रख देना है, तो आप लोगों ने थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको चेक करना है, और इसकी साइड्स को लाजमी चेंज करना है, वरना मलाई बोटी जो है वो एक साइड से ज़्यादा जल जाएगी। तो इस तरीके से इसकी साइड्स चेंज करके ब्रश की मदद से मैंने इसको ऑयल लगाया,
और ऑयल लगाने के बाद इसको मैंने दोबारा से ओवन में पकने के लिए रख दिया। हम इसको उस वक्त तक पकाएंगे जब तक हमारी मलाई बोटी अच्छे से रेडी ना हो जाए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मलाई बोटी हो गई है हमारी तैयार, एकदम मज़ेदार अच्छे से रेडी हो चुकी है। इसको अब हम स्क्यूअर्स में से निकालेंगे और निकाल कर 2 टेबलस्पून यहाँ पर हम लोग डालेंगे देसी घी, और देसी घी शामिल करने के बाद इसको इस तरीके से आप लोगों ने अच्छे से मिक्स करना है। देसी घी डालने से इसका जो मज़ा है और भी दोबाला हो जाएगा और बहुत ही मज़ेदार ये बनती है। लास्ट में हम इसको अब करेंगे, हम इसको कोयले का धुआं देंगे। इसका तरीका ये है, इस मैंने फॉइल से एक प्याली बना ली, कोयले को अच्छे से गर्म किया, गर्म करने के बाद मैंने इस प्याली में रख दिया और थोड़ा सा ऑयल डालकर मैंने इसको कवर कर दिया प्लेट के साथ। तो इसी तरीके से आप लोगों ने 1 से 2 मिनट के लिए इसको कोयले का धुआं देना है। ये एकदम बनेगी रेस्टोरेंट स्टाइल में और बारबेक्यू का भी टच आ गया है। तो आप लोग जब मलाई बोटी खाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो इस तरीके से मैंने कोयला रिमूव कर दिया और यहाँ पे मैंने सर्व किया है इसको इमली की चटनी होममेड और पुदीने की चटनी के साथ। अगर आप लोगों को मेरी इमली और पुदीने की चटनी चाहिए आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। आई होप आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी, रेसिपी बहुत मज़ेदार बनी थी, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। तो चलें मिलते हैं नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में बहुत याद रखिएगा।